तुम्हारी असलियत क्या है इसका मतलब है व्हाट इज योर तुम्हारी असलियत क्या है तुम किस किस चीज से बनी हो यू टेंट तुम्हारा हर इंसान का एक इमेज होता है तुम्हारे मिलियन स्ट्रेंज किस्म के शैडोज हैं तुम लाखों चीजों और अजीब तरीके से यहाँ होते हो यानी मैं तुम्हें जहां देखता हूं वहां शेक्सपियर कहता है कि तुम ही तुम मुझे नजर आती हो सो दैट मिलियन ऑफ स्ट्रेंज शैडोज ऑन यू टेंट तुम्हारे लाखों रूप हैं दैट मिलियन ऑफ स्ट्रेंज शैडोज ऑन यू टेंट कि तुम लाखों चीजों में अजीब तरीके से मुझे अयाह होती हो या तुम्हारे लाखों रूप हैं सिंस एवरीवन हैथ एवरीवन वन शेड कहता है कि हर इंसान के पास एक ही उसका इमेज या एक रूप होता है एंड यू बट वन एंड यू बट वन कैन एवरी शेडो लेंट लेकिन तुम जोन सा रूप चाहो वो धार सकती हो या सकते हो अब यहां पे कहता है कि मेरी तुम जोन सा रूप तुम चाहती हो तुम वही बन जाती हो तुम चाहो तो हेलन बन जाओ तुम चाहो तो एडोनिस बन जाओ तुम चाहो तो कुछ भी बन जाओ यहां पे कहता है डिस्क्राइब एडोनिस एंड कॉन्ट्रोफीट अगर हम डिस्क्राइब डिस्क्राइब करें अडोनिस को या अडोनिस का मुजस्मा बनाएं तो हम उसे देख के फौरन ये कहेंगे ये तो एक झूठ है इज प्यू ऐसे लगता है कि तुम्हारा ही इमेज किसी ने बना दिया है यानी कोई अडोनस एक बहुत खूबसूरत था एक ह्यूमन था जिसपे गॉडस जो मून की गॉडस फिदा हो गई थी हमने पढ़ा था उसका गॉडस यानी अडोनस वीनस एंड अडोनस हमने पढ़ा कहता तो है कि तुम इतनी खूबसूरत हो अगर कोई अडोनस का मजस्मा भी बना दे तो हम उसे भी कहेंगे वो झूठ है वो कॉन्टरफीट है इज पुअरली इमिटेटेड आफ्टर यू लेकिन वो भी तुम्हें ही के किसी ने इमिटेट कर दिया उसका मुजस्मा ऑन हैलन चीक्स आल आर्ट ऑफ द ऑफ़ द ब्यूटी फैट कि जो हेलन की जो चीक्स हैं वो भी क्या है यूनानी जो हेलन है एक बहुत खूबसूरत लेडी थी जिसने डॉक्टर फास्टर्स ने भी उसका जिक्र किया है ऑन हेलन चीक्स आल आर्ट ऑफ द ब्यूटी फैट और जितनी भी ब्यूटी कहता है हेलन के चीक्स पर है यानी तुम्हारी तस्वीर अगर चे कहता है हेलन के गाल में जस्मा खूबसूरती है यानी हेलन की जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरती है एंड यू इन द ग्रेशियन थायर्स आर पेंटेड न्यू अगर कोई मुजस्मा बनाए तो ऐसे लगेगा कि तुमने वो ग्रेशियन कपड़ा पहन के अपने आप को ड्रेस वेल ड्रेस करके खड़ा कर लिया है मतलब कोई हेलन को भी अगर बनाए पहले तो उसने अडोनस का जिक्र किया उसके बाद उसने कहा कि अगर कोई हेलन का मुजस्मा बनाए तो ऐसे लगेगा जैसे तुमने ग्रेशियन जो ड्रेस है वो आरास्ता कर लिया है स्पीक ऑफ द स्प्रिंग कहता बहार की बात करो एंड द फॉइज ऑफ दर्स और अगर कहता है बहार का जिक्र करें तो सलाना कटाई का जिक्र जिक्र होता है तो अगर कहता है मैं बहार का जिक्र करूं तो फिर हम साथ ही काश्तकारी का मतलब काश्त का भी साथ जिक्र आता है कि उस उस वक्त चीजें जो है मोस्टली काश्त होती हैं द वन डोथ शेडो ऑफ योर ब्यूटी शोज यानी ये जो बहार है तो वो भी एक झलक है तुम्हारी ब्यूटी की द अदर एज योर बॉन्ट्रीज डोथ अपीयर और ये सब जो है क्या है ये सारी चीजें जो हैं, वो जो खूबसूरत या जो चीजें हमें नजर आती हैं अपीयर होती हैं यू इन एवरी तुम्हारी ही इनफेक्ट अशकाल या मुख्तलिफ शक्लें हैं जो हमें नजर आती हैं ऑल एक्सटर्नल ग्रेस यू हैव सम हर जगह जहां पे भी कोई ग्रेस है जहां पे भी कोई ब्यूटी है जहां पे भी कुछ नजर आता है ब्यूटीफुल वो कहता है कि तुम हो बट यू लाइक नन लेकिन तुम किसी की तरह भी नहीं हो मतलब जो उसका महबूब है उसे वो कहता है कि उस जैसा कोई भी नहीं है नन यू फॉर कॉन्स्टेंट हर्ट हार्ट और कहता है लेकिन दूसरे के ब्रक्स, तुम्हारे हुसन में तुम्हारे हुसन में क्या है दवाम और खलूस है यानी हर चीज मिट सकती है तुम्हारा हुसन वो कहता है कि कॉन्स्टेंट है बट यू लाइक नन तुम किसी तरह भी नहीं हो नन यू फॉर है तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारा हुसन जो है वो कांस्टेंट है तो यहां पे देखें उसने रेफरेंस यूज किए हैं। एक तो रेफरेंस यूज किया है किसका हैलन का दूसरा एडोनस का और अगर आप इसको देखें तो ये फोर फोर लाइन का ये देखें फोर लाइन फोर लाइन फोर लाइन और ये टू लाइन का क्या है कॉपलेट ये कॉपलेट है इसको टू लाइन कहते हैं और ये क्या है थ्री है है और क्वार्टर्न वन है फोर फोर लाइन के उसने थे और, का दो के एक का और एक, एक चीज और नोट कर लीजिए इसके अंदर के ये राइमिंग स्कीम और आई पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है पहले अनस्ट्रेस आता है फिर स्ट्रेस व्हाट इज योर सब्सटेंस वेयर ऑफ आर यू मेक पहले अनस्ट्रेस आता है उसके बाद स्ट्रेस ये इसको नेटिव स्पीकर ही ज़्यादा समझ सकते हैं यू द पॉइंट्स और कल इंशाल्लाह तला हम आज वो नहीं थी फातमा लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया दियास न